हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको रैशनल नंबर पढ़ाया था, और जिसमें कि मैंने आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर के कुछ पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए थे। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। इसमें कुछ रिमेंबर दिया हुआ है, जिसमें कि हमें कुछ पॉइंट्स इसके याद करने होंगे। पहला पॉइंट क्या है? द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू एंड इंक्लूड्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो दैट कैन बी रिटर्न एज अ रेशियो फ्रैक्शन ऑफ वन नंबर ओवर अनदर। ठीक है, तो इसमें हमें दिया हुआ है कि रैशनल नंबर हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल नंबर्स आते हैं और जीरो भी आता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेशियो भी बोल सकते हैं, रिटर्न एज रेशियो, इसको हम रेशियो में भी लिख सकते हैं अनदर नंबर के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ए रैशनल नंबर इज पॉजिटिव व्हेन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव सम सेम साइंस। द रैशनल नंबर इज पॉजिटिव व्हेन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव सेम साइंस। तो इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर जब दोनों का साइन जो होगा वो सेम होगा, तो वो कौन सा रैशनल नंबर होगा? पॉजिटिव रैशनल नंबर। एल्स नेगेटिव, इन अदर वर्ड्स ए रैशनल नंबर इज नेगेटिव। अगर एक, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था कि जब न्यूमिनेटर नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो तो वो कौन सा होगा? नेगेटिव रैशनल नंबर। जब दोनों का अलग अलग साइन हो, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का, तो वो कौन सा नंबर होगा? नेगेटिव रैशनल नंबर। थर्ड पॉइंट है इसका, ए रैशनल नंबर ए अपॉन बी इज सेड टू बी इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म इफ बी इज पॉजिटिव। अगर बी पॉजिटिव है एंड द इंटीजर ए एंड बी हैव नो कॉमन डिवीजर देन वन। तो इसमें क्या होगा, अगर हमारा कोई इसके अलग अलग है तो इन दोनों का क्या कॉमन होगा? कॉमन डिवीजर होगा इसका वन, हम एस सी एफ भी बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसका, ए रैशनल नंबर ए एंड बी इज सेड टू बी इन द लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इफ ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, जैसे कि ये रैशनल नंबर और इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या आएगा? फिर वन आएगा। और इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो खुद के नंबर से ही डिवाइड होगा ना, अदर नंबर से ही डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका फाइव, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आर द दोज नंबर विच हैव सेम वैल्यू बट आर रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज। इक्विवेलेंट, इसमें हम आगे देखते हैं, इक्विवेलेंट के हम एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि फाइव अपॉन सेवन है, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट हमें निकालना है, तो हम किसका निकालेंगे, क्योंकि इसमें तो हमें दिया नहीं है ना, ये दोनों एक सेम नहीं कर सकते, इक्विवेलेंट बनाएंगे, इसका थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, फाइव अपॉन सेवन है मल्टीप्लाई थ्री, इक्विवेलेंट इक्वल बनाने के लिए, ताकि ये दोनों एक ही नंबर से डिवाइड हो जाए। तो क्या आएगा, फाइव थ्री जो 15 डिवाइड बाय सेवन थ्री जो 21। तो अब ये इक्वल है, किससे काट सकते हैं, अभी इनको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, थ्री से। और अभी इनको भी हम क्या कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं, इक्विवेलेंट बना सकते हैं, फाइव जा और इसको सेवन से, तो 15 सेवन जा कितने होते हैं 100, फाइव और 21 फाइव जा 100, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आया, दोनों का आया 105
और 105, तो कॉमन प्रोडक्ट क्या आ गया इसमें 105। इसका सिक्स पॉइंट है, लेट ए अपॉन बी, लेट ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर टू रैशनल नंबर्स हैं, देन ए अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी। तो ओनली फिर हम इनका क्या करेंगे, ए अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी, हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू डी इक्वल इक्वल बी इंटू सी। तो इसका क्या आ गया हमारा, ए डी इक्वल होगा किसके, बी सी के। नेक्स्ट पॉइंट अब आए हैं, नेक्स्ट आगे सॉल्व एग्जांपल्स, क्योंकि हम एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। अगर हम अभी एग्जांपल्स सॉल्व कर लेंगे तो इसी से रिलेटेड क्या है हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, तो हम पहले एग्जांपल्स सॉल्व करते हुए चलेंगे और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे। पहला एग्जांपल है इसका, फर्स्ट एग्जांपल, डिफाइन रैशनल नंबर्स गिवन एट लीस्ट सिक्स एग्जांपल ऑफ सच नंबर्स। हमें पता है कि इसकी डेफिनेशन क्या है रैशनल नंबर की, जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वही क्या है रैशनल नंबर की डिफाइन। तो ए नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स हैं लेकिन Q नॉन इक्वल जीरो है। Q क्या है, नॉन इक्वल जीरो, जीरो की इक्वल नहीं है Q, तो इसे ही क्या बोलेंगे, कॉल्ड और रैशनल नंबर। इसी को क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, वैसे तो आपकी बुक में दिए हुए हैं बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। थ्री अपॉन सेवन, टू अपॉन फाइव, नाइन अपॉन इलेवन, सेवन अपॉन फिफ्टीन, सिक्स हमें बताने हैं, फोर अपॉन सेवन, टू अपॉन, ये हमारे सब क्या आ जाएंगे, रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। रैशनल नंबर कोई भी हो सकते हैं, आपके एग्जाम बुक्स में भी दिए हुए हैं और मैंने भी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, नेक्स्ट इसी का एग्जाम्पल, एक्सप्रेस एक्सप्रेस टू अपॉन सेवन एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर एज 21, 35 एंड 49। तो हम इसमें कन्वर्ट करना है, हमको क्या है, टू अपॉन सेवन है तो डिनोमिनेटर हमें किस किस 21, 37 और 49। हम डिनोमिनेटर को इस 21 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 3। जब हम किसी भी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो वो हमें न्यूमरेटर में भी हमें क्या करना है, उसी डिजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी हम डिनोमिनेटर में करेंगे या न्यूमरेटर में करेंगे, तो हमें फिर डिनोमिनेटर में भी उसी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी माइनस प्लस करना है वो उसमें भी हमें करना पड़ेगा। तो क्या है, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, 1 पहला तो हमारा ये हो गया। सेकंड क्या है इसका, क्या क्या करना है हमें, 35, 2 अपॉन 7, 7 को 35 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 5 से मल्टीप्लाई, तो हमें न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 5 जा 10 और 7 5 जा 35, 2 अपॉन 7 तो हमें 49 में, 49 करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, तो हमें न्यूमरेटर में भी 7 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 7 2 जा और 7 7 जा 40। तो थर्ड क्या है हमारा, 14 अपॉन 49। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। थर्ड क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें ये नंबर्स हमें दिए हुए हैं, इसमें से हमें
नेगेटिव रैशनल नंबर और पॉजिटिव रैशनल नंबर काटने हैं। तो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिनका सेम साइन होता है, और नेगेटिव रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनका अपोजिट साइन होते हैं या अलग अलग साइन होते हैं। तो वो कौन से होते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर। फर्स्ट है हमारा माइनस के 4/5, क्या इसमें दोनों सेम साइन है, नहीं, तो ये कौन सा है, नेगेटिव इंटीजर। हम छांट लेते हैं नेगेटिव कौन से हैं और पॉजिटिव कौन से हैं, क्या ये पॉजिटिव है, नहीं, ये भी नेगेटिव है, 11/31, क्यों, क्योंकि दोनों का साइन चेंज है, ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में एक 7/9 है, 13/17 भी पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों का क्या है, सेम साइन है। 28/17 भी पॉजिटिव है, बिकॉज सेम साइन। 93/118 ये भी पॉजिटिव है, और नेगेटिव में 29/-81, तो ये भी क्या है, माइनस के 29/81, तो ये भी किस में है, नेगेटिव में, बिकॉज साइन इज चेंज, दोनों के साइन अलग अलग है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, क्या हमारे ट्रू और फॉल्स हमें बताने हैं, हमें क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ आर अपॉन एस इज अ रैशनल नंबर देन एस कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो ये हमने पहले ही बता दिया था कि आर अपॉन एस हो या पी अपॉन क्यू हो, जो इस फॉर्म में होगा, जो फ्रैक्शन एज अ फ्रैक्शन के रूप में होगा, वो कौन से होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। और हमें पता है क्यों, उधर क्या था, क्यों नॉन इक्वल जीरो, तो इधर एस कैन नॉट बी इक्वल जीरो, तो ये रैशनल नंबर ही हमारा हो जाएगा। ए फ्रैक्शन विद जीरो डिनोमिनेटर ऑफन लीड टू मीनिंगलेस सॉल्यूशन बिकॉज डिवाइडिंग बाय जीरो इज इनवैलिड ऑपरेशन, क्योंकि हम किसी से भी डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, जीरो ही आता है या इनवैलिड ऑपरेशन आता है। सो इफ आर अपॉन एस इज अ रैशनल नंबर देन एस कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, क्या हुआ, ट्रू हुआ। मैंने आपको पहले बताया पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो होगा वो रैशनल नंबर होगा, और जो क्यू या एस जो होगा वो नॉन इक्वल जीरो होगा। सेकेंड पॉइंट है इसका, एवरी फ्रैक्शन इज रैशनल नंबर, क्या जो एवरी फ्रैक्शन होते हैं क्या वो रैशनल नंबर होते हैं, यस, एनी नंबर दैट कैन बी रिटर्न इन फ्रैक्शन फ्रॉम अ रैशनल नंबर, ए रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स पी एंड क्यू, हेंस द गिवन स्टेटमेंट एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल फ्रैक्शन, रैशनल नंबर क्या होते हैं, एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, इज ट्रू। थर्ड पॉइंट है इसका, जीरो इज अ होल नंबर बट इज नॉट, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, हमने आपको जब रैशनल नंबर पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था कि जीरो, जो जीरो होता है वो होल नंबर होता है, और क्या होता है, रैशनल नंबर भी होता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर एंड ऑल्सो जीरो इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि जीरो जो होता है वो रैशनल नंबर भी होता है। फोर्थ पॉइंट है इसका, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्या एवरी इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, यस, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर सिंस ईच इंटीजर एक्स कैन बी रिटर्न एज एक्स अपॉन वन, फॉर एग्जाम्पल -3 इज एन इंटीजर एंड -3 इक्वल -3/1, तो दिस -3 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज -3/1 इज अ फ्रैक्शन, कि ये किसकी फॉर्म में है, माइनस
अपॉन वन अपॉन, तो इसीलिए एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखेंगे फिलिंग इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। इनसे देखेंगे क्वेश्चन द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 5/7 तो हुज न्यूमिनेटर इज 45। तो 45 कैसे आएगा इसका, 7/9 है द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 5/7। 5/ तो हुज न्यूमिनेटर इज 45। तो न्यूमिनेटर है तो हमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से। जब 9 की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी हमें 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसका क्या आ जाएगा 45/63। तो ये कौन सा हो गया इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इट क्या आएगी यहाँ पे 45/63। सेकेंड पॉइंट है इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 7/9 हुज डिनोमिनेटर इज 45। 7/9 है, डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं तो हम 45 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 5 से। तो न्यूमिनेटर में भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आंसर क्या आएगा 75। 75 जा 35, 95 जा 45। तो आंसर क्या आएगा इसका 35/49। थर्ड पॉइंट है इसका 3/4 एंड 9/12 आर, क्या है ये 3/4 9/12, इसको हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 जा 9 3 4 जा 12, तो ये क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, क्या हो जाएगा ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये क्या है लोएस्ट फॉर्म। फोर्थ में क्या है द लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर 18/30। इसकी हमें क्या करनी है लोएस्ट फॉर्म करनी है, तो लोएस्ट फॉर्म का मतलब है हमें इसको डिवाइड करके छोटा करना है। 2 से करेंगे 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 9 3 5 जा 15। तो इसका लोएस्ट फॉर्म क्या है 3/5। लोएस्ट फॉर्म क्या है इसकी 3/5। फिफ्थ में है द लोएस्ट फॉर्म ऑफ माइनस के 13/26, तो इसे 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो इसका लोएस्ट फॉर्म क्या आएगी -1/2। तो इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या है माइनस के 1/2। नेक्स्ट सिक्स है सेलेक्ट द रैशनल नंबर फ्रॉम द लिस्ट विच आर ऑल्सो द इंटीजर्स। इसमें से हमें इंटीजर्स सेलेक्ट करने हैं कि ये कौन कौन से इसमें रैशनल नंबर हैं या नहीं है। इंटीजर्स से हमें रैशनल नंबर सेलेक्ट करने हैं कि ये कौन कौन से इसमें रैशनल नंबर्स हैं। इन द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर देर आर रैशनल नंबर्स विच आर नॉट इंटीजर्स एंड देर आर रैशनल नंबर्स विच आर इंटीजर्स। जैसे कि हमें पता है कि रैशनल नंबर कौन कौन से होंगे इसमें, देखो जो इसमें से डिवाइड हो रहे हैं, एक तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा 3/4/2,
वन जीरो वन फाइव वन टू सिक्स फाइव थ्री, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे रैशनल नंबर बीच और ऑल्सो इंटीजर्स, जो कि इंटीजर्स भी होंगे और रैशनल नंबर्स भी होंगे। हम देखते हैं जैसे कि एट वाई टू फोर, इसमें क्या है कॉमन टू, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, तो इसमें कॉमन क्या आ गया डिवाइडिंग बाई टू, वन भी लिख सकते हैं बट इसका आंसर क्या आएगा टू। इसी तरीके से हम नाइन बाई थ्री को देखेंगे, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, तो क्या आ गया इसका थ्री। इसी तरीके इसी से सिक्स अपॉन फोर को, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, तो क्या आ गया इसका थ्री बाई टू। नेक्स्ट सिक्स बाई सिक्स अपॉन थ्री, तो थ्री टू जा सिक्स, तो इसका क्या है टू। सेम फोर बाई टू, टू टू जा फोर, टू थ्री अपॉन वन, थ्री अपॉन वन को क्या लिख सकते हैं हम थ्री। इसी प्रकार वन अपॉन वन को क्या लिख सकते हैं वन, जीरो अपॉन वन को क्या लिख सकते हैं जीरो, और माइनस वन अपॉन वन माइनस वन, और माइनस टू अपॉन वन माइनस टू, माइनस के फोर बाई टू, टू टू जा फोर, माइनस के टू, फिर माइनस के सिक्स बाई टू, टू थ्री जा सिक्स, तो माइनस के थ्री। ये हमारे क्या हैं रैशनल नंबर्स हैं, जो कि रैशनल नंबर के साथ साथ इंटीजर्स। सेवन है हमारे सेलेक्ट दोज विच कैन बी रिटर्न एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर फोर, कि ऐसे कौन सा है जिसको हम डिनोमिनेटर फोर के साथ रैशनल नंबर बना सकते हैं। सेवन अपॉन एट तो नहीं बना सकते हम, सेवन अपॉन एट तो नहीं बनेगा, सिक्सटीन अपॉन फोर बन जाएगा, थर्टी सिक्स अपॉन ट्वेल्व बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, ये बन जाएगा, और ये भी डिनोमिनेटर फोर बना के इनको दिखाती हूँ। सिक्स अपॉन सिक्सटीन, तो फोर हमें लेके आना है, तो फोर फोर जा सिक्सटीन, फोर वन जा फोर, फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर, तो इसका क्या आया सिक्सटीन अपॉन फोर, डिनोमिनेटर हमें फोर बनाना है इसीलिए। सेकंड है हमारा थर्टी सिक्स अपॉन माइनस के ट्वेल्व, तो इसको किससे करेंगे माइनस के थ्री से डिवाइड कर देंगे, इसको थ्री से डिवाइड करेंगे, थ्री फोर जा ट्वेल्व, क्योंकि हमें किसका लाना है प्लस का लाना है, और ये वन जा थ्री, थ्री जा सिक्स, तो माइनस के इसका क्या है माइनस के ट्वेल्व, फाइव अपॉन माइनस के फोर, इसको हम किससे कर दें माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस के फाइव अपॉन फोर। सेम वन अप वन फोर्टी अपॉन ट्वेंटी एट, तो हम इसको सिक्स सेवन से डिवाइड करेंगे, सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, और सेवन टू जा फोर्टी जीरो, तो कितना आ गया ट्वेंटी अपॉन फोर। तो ये हमारे क्या हैं इनको हम कैन बी रिटर्न एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर फोर के साथ हम इनको रैशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारा मिसटेनियस सॉल्व्ड एग्जांपल्स, तो देयर यहाँ पे हमें देयर आर फोर ऑप्शंस, क्वेश्चन वन एंड टू आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, हमें इसमें क्या करना है करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉन इक्वल जीरो, इक्वल जीरो के इक्वल नहीं है क्यू, तो हमने इसकी ये डेफिनेशन किसकी है नेचुरल नंबर की है, होल नंबर की है, इंटीजर्स की है, या रैशनल नंबर्स की है, तो ये हमारी किसकी है रैशनल नंबर्स की डिफाइन है, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डी, करेक्ट आंसर क्या है डी रैशनल नंबर।
सेकंड क्वेश्चन है, ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ, ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज सेड टू बी अ रैशनल नंबर इफ क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, पी। इसकी डिफाइन है ये भी रैशनल नंबर। थर्ड है इसका, थर्ड है फिलिंग द ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस ट्रू। फिलिंग द ब्लैंक हमें करने हैं, फिलिंग द ब्लैंक टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 3/5 न्यूमरेटर इज 33 इज। तो इसका 33 हमें न्यूमरेटर बनाना है, न्यूमरेटर बनाना है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 11 से। तो क्या हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 3/5। न्यूमरेटर की बात कराएं, न्यूमरेटर की तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर में भी हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 33/5, 11/5 = 55। तो आंसर क्या आएगा इसका, 33/55। द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 5/9 हुज डिनोमिनेटर इज 36। 5/9 है तो इसको 36 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 4 = 20 और 9 × 4 = 30। तो आंसर क्या है इसका, 20/36। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है इसका, इफ x अपॉन y इज अ रैशनल नंबर देन y इज ऑलवेज अ होल नंबर। तो y इज अ होल नंबर, तो होल नंबर तो होता नहीं है, क्योंकि y होल नंबर क्या होता है हमारा, जीरो। और q या y किसके इक्वल होता है, नॉन जीरो के। तो ये क्या है, फॉल्स। क्यों है फॉल्स, क्योंकि y हमारा कभी भी होल नंबर के इक्वल नहीं होता है, नॉन इक्वल जीरो होता है वो, और होल नंबर हमारा क्या होता है, जीरो। सेकंड पॉइंट है इसका, इफ p अपॉन q इज अ रैशनल नंबर, इफ p अपॉन q इज अ रैशनल नंबर देन p कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। p कैन नॉट बी इक्वल जीरो होता है, ट्रू है या फॉल्स, फॉल्स है। क्योंकि क्यों ये बोल रहे, इफ p एंड p अपॉन q इज अ रैशनल नंबर, p एंड q आर इंटीजर्स हैं एंड q नॉन इक्वल जीरो होता है, सो p कैन बी इक्वल टू जीरो बिकॉज जीरो इज एन इंटीजर। जीरो क्या है, एन इंटीजर है। तो हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स है, फर्स्ट भी फॉल्स है। थर्ड है, इफ r अपॉन s इज अ रैशनल नंबर देन s कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। यस, ये क्या है, ट्रू, क्योंकि हमारा s किसके बराबर होता है, ये सेम। यहाँ क्या आ जाएगा, s नॉन इक्वल टू जीरो, तो ये ट्रू। फिफ्थ है हमारा, पिक आउट द पॉजिटिव रैशनल नंबर फ्रॉम अमोंग, पिक आउट द पॉजिटिव रैशनल नंबर फ्रॉम अमोंगेस्ट द फॉलोइंग। 2/3 - 2/3, 2/-3, -2/-3। हमें इसमें कौन से क्या करना है, पिक आउट करना है, मतलब जो हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं। तो हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन कौन से है, एक तो ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है और एक ये, क्योंकि ये इन दोनों का साइन क्या है, चेंज है, इसलिए क्या नहीं है, पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर। तो हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन कौन से, टू अपॉन थ्री एंड माइनस के 2/-, ये हमारे क्या हो गया, पॉजिटिव रैशनल नंबर। सिक्स क्वेश्चन है इसका, एक्सप्लेन व्हाई वी डू नॉट इंक्लूड नंबर लाइक 5/0, -19/0, -3/0, वेयर 0 इज इन अ इन द डिनोमिनेटर इन अ रैशनल नंबर। क्योंकि क्या होता है, मैंने अभी आपको पीछे भी पढ़ाया था कि जब हम 0 से किसी भी चीज में डिवाइड करते हैं तो उसको ऑपरेशन इनवैलिड होता है।
तो वी कैन नॉट, द डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल, सो वी कैन नॉट इंक्लूड नंबर लाइक 5/0, 19/0, कॉमा माइनस के द रैशनल नंबर, क्या नहीं होंगे, रैशनल नंबर नहीं होंगे. ए रैशनल नंबर इज अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉन इक्वल जीरो. इस क्यों नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि हमारा जो रैशनल नंबर होता है वो किसके फॉर्म में होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, और क्यू क्या होता है, नॉन इक्वल जीरो. और जबकि यहाँ पे क्या दे दिया हमें, जीरो दे दिया, तो इसीलिए ये हम इनको रैशनल नंबर में नहीं लिखते, नॉन रैशनल नंबर बोलेंगे या इरेशनल नंबर. क्वेश्चन 7, व्हेन इज अ रैशनल नंबर, व्हेन इज अ रैशनल नंबर सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म. ये किसमें है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और 6/14, तो इसको किससे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, और 2, 3 जा 6, 2, 7 जा 14, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुई, 3/7. सेम ही इसकी भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना देंगे, जो हमारा है 10/140, 0 से 0 कैंसिल, 1/14. नेक्स्ट है माइनस के 9/3, तो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, तो माइनस के 3. नेक्स्ट है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी नहीं इसकी, 3/7 माइनस के 5/9. इनको भी हम कर सकते, कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन क्या था, 3/-7, तो इसको किससे कर देंगे, 3/-1, -7/-1, तो ये कितना हो जाएगा, -3 और ये 7 प्लस के. सेम -5/-9, यही है, डायरेक्ट भी काट सकते हैं, नहीं तो आप इसको प्लस माइनस के डिवाइड बाई -1/-1, सेम ही हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसका, 5/5, ये हमारी क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म्स. 8 क्वेश्चन है, पिक आउट द रैशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट विच इज नॉट इक्वल टू 3/5, किसके इक्वल नहीं है, 3/5 के. हमें डिजिट्स दी हुई हैं, डिजिट्स क्या हैं हमारी, डिजिट्स है -3/5, कॉमा -3/-5, 3/5, कॉमा 6/10, कॉमा -12/20, कॉमा 30/50. सेम ही है, इनको सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 तो होगा नहीं, क्योंकि हम इसको करेंगे -1 से डिवाइड, तो भी माइनस डिवाइड, तो इसका क्या आ जाएगा, 3/-5. सेकंड ऐसे ही सेकंड देखेंगे, -3/-5 है, तो इसको डिवाइड करेंगे -1 से, तो भी -1 क्या आ जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक, डिवाइड 1 में करेंगे तो 1, 5 को डिवाइड 1 में करेंगे तो 5. नेक्स्ट क्या है हमारी, 3/5 का तो सेम ही रह जाएगा, डिवाइड बाई -1 से भी करेंगे तो -3/-5 आएगा, माइनस से माइनस के, तो 3/5. नेक्स्ट क्या है हमारी, 10
थ्री अपर बनाना है तो किससे, सिक्स और टू फाइव जा टेन, तो इसका क्या आ गया थ्री अपॉन फाइव है माइनस के ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी, माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल, सिक्स फोर थ्री जा ट्वेल्व और फोर फाइव जा ट्वेंटी अपॉन फाइव। नेक्स्ट ये है टेन थ्री जा टेन थ्री जा थर्टी और टेन फाइव जा फिफ्टी, तो थ्री अपॉन फाइव किस किस का आ गया, आया कौन कौन सी डिजिट रह गई, एक जो इक्वल नहीं है थ्री अपॉन फाइव एंड माइनस के थ्री अपॉन, तो इसमें एक डिजिट इक्वल नहीं है कौन सी, माइनस के थ्री अपॉन फाइव, और सब ये इक्वल है। रैशनल नंबर इज कॉम द रैशनल नंबर बीच इज नॉट इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव इज माइनस के थ्री अपॉन फाइव, क्योंकि हम इनको एक डिवाइड करेंगे माइनस वन से तो इनकी सेम ही डिजिट आएगी, चेंज हो जाएगी, थ्री अपॉन माइनस के फाइव आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन, राइट टू अपॉन नाइन इज फाइव डिफरेंट फॉर्म फ्रॉम एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल माइनस के फोर अपॉन एटीन, किस तरीके से हम इसको अलग अलग डिफरेंट तो उसमें लिख सकते हैं, ये है हमारा टू टू अपॉन नाइन, राइट टू अपॉन नाइन इन फाइव डिफरेंट फॉर्म्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि माइनस के फोर फोर टू अपॉन नाइन को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस के फोर अपॉन माइनस के एटीन, हम किससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें इसको, माइनस टू से और इसको भी माइनस टू से, तो कितना आ जाएगा माइनस के फोर अपॉन माइनस के एटीन, तो वी कैन नॉट द रेशनल नंबर मैन वी मे बी रिप्लेस्ड बाय अ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पी मल्टीप्लाई के अपॉन क्यू मल्टीप्लाई के, वेयर के इज एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होता है, सकता है के जो है नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकता है, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सेम इक्वल बनाने के लिए सेम ही है, टू अपॉन नाइन को एक बार टू से मल्टीप्लाई तो क्या आ गया फोर अपॉन एटीन, दूसरा टू अपॉन नाइन मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव तो क्या आ जाएगा टेन अपॉन फोर्टी फाइव, तो अपॉन नाइन को हम एट से मल्टीप्लाई करेंगे, टू एट जा सिक्सटीन, नाइन एट जा सेवेंटी टू, और एक हम इसको किससे लिख सकते हैं माइनस के थ्री से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं माइनस के, तो क्या आ जाएगा थ्री टू जा सिक्स और नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन माइनस, और एक हम इसको क्या लिख सकते हैं नाइन मल्टीप्लाई माइनस के सेवन, तो माइनस के फोर्टीन और माइनस के माइनस माइनस के, तो आंसर क्या आ जाएंगे ये नंबर्स आ जाएंगे जब हम इनको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज की वीडियो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे, तब के लिए धन्यवाद, नमस्कार।